हे एवरीवन, इट्स मी किया अगेन। और आज के वीडियो के लिए मेरे पास तुम्हारे लिए है अनदर स्वॉच एंड रिव्यू वीडियो फ्रॉम अ ब्रांड जिसका मैंने एक रेंज का रिव्यू अभी किया है, आई मीन द लास्ट वीडियो, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट रिने कॉस्मेटिक्स। येस यू पीपल, अभी जो लास्ट वीडियो है ना उसमें मैंने उनकी नियॉन पॉलिशेस के बारे में बात करी है, इन डेप्थ बात करी है, पूरे स्वॉचेस रिव्यूज कंपैरिजंस दिखा के। नहीं देखा है तो वो वाला वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, गो चेक इट आउट आफ्टर दिस वीडियो बिकॉज इट वॉज जैम पैक्ड विथ इंफॉर्मेशन। ना जब मैंने वो वाली पॉलिशेस ऑर्डर करी थी ना तो उनकी वेबसाइट पे कुछ कुछ ऐसे ऑफर्स चल रहे थे, सो आई थॉट ऑफ बाइंग सम मोर पॉलिशेस फ्रॉम देम। और फिर मुझे दिखे उनके ये क्वाड सेट्स, तो इसमें 5 ml की छोटी छोटी 4 bottles होती हैं एक सेट्स में, और उनके पास ना ऐसे 4 sets हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर स्कीम्स के, सो आई ऑर्डर 2 ऑफ देम और इन्हीं का रिव्यू आज हम देखने वाले हैं। सो क्या हुआ ना, लास्ट वीडियो में कोइंसिडेंटली पूजा ने मुझे ऑल्सो बताया कि इनके ये जो सेट्स हैं ये बहुत अच्छे हैं, शी हैज ट्राइड इट एंड शी हैज लव्ड इट। सो फॉर्चुनेटली पूजा, आई ऑल्सो गॉट दीज क्वाड सेट्स एंड हियर इज माई रिव्यू। सो अगर तुम लोग जानना चाहते हो कि ये जो दो क्वाड सेट्स मैंने मंगवाए ये कौन से हैं, कैसी पॉलिशेज हैं और मेरे क्या रिव्यूज क्या थॉट्स हैं इनके बारे में, देन यू नो वॉट यू हैव टू डू, जस्ट keep on watching the video. So here is what all the colors in the everyday nude shades look like. This is what the packaging looks like. Black color की packaging है जिसपे silver से पूरी detailing लिखी गई है, एक cutout है center में जहाँ आप सारे shades देख सकते हो, और यहाँ shades का combination देखोगे ना तो काफ़ी fall appropriate से shades हैं, जितने भी shades हैं dustier side पे हैं, brownish, बिल्कुल fall vibe देते हैं, and पीछे packet पे सारी details लिखी हुई हैं। If you wanna read, you can pause the video and read them out. Starting with the first shade from Everyday Nudes Kit. Now sadly इनके कोई नाम नहीं है तो मैंने सिर्फ numbering कर रखी है। This shade is like a pinkish nude color with brownish undertones और ये बहुत ही dusty side पे है, क्योंकि kit के time भी मैंने बताया कि ये बहुत ही fall appropriate shades हैं। Now इसकी opacity की बात करूँ तो यहाँ मैं 2 coats लगा के दिखा रही हूँ, but मुझे ऐसा लगता है कि I could have gone with a 3rd coat। थोड़ी सी sheer है, opacity इतनी अच्छी नहीं है। Formula की बात करूँ तो स्मूथ है एप्लीकेशन में, सेल्फ लेवलिंग भी है, क्रीमी भी है, बस ओपेक नहीं है। सो इफ यू हैव लाइक लॉन्गर नेल्स देन माइन देन यू माइट हैव टू गो अप टू 3 coats। द सेकेंड शेड इन द एवरीडे न्यूड्स किट इज लाइक अ न्यूडिश ब्राउन कलर, ये लाइट ब्राउन साइड पे है विद ग्रे अंडरटोन्स, क्योंकि डस्टियर साइड पे है तो वो ग्रे अंडरटोन्स इसमें हैं, एंड ये बहुत ही स्किन लाइक कलर है, तो अगर आपका स्किन टोन इस कलर से मैच करता है तो ऐसा लगेगा कि आपने कुछ नेल्स पे लगाया नहीं, इनफैक्ट योर फिंगर्स विल लुक लॉन्गर, राइट? सो ये ऐसा शेड है ना। इसकी फॉर्मूला की बात करूँ तो स्मूथ है एप्लीकेशन में, सेल्फ लेवलिंग भी है, बट ओपेक नहीं है। यहाँ मैं 2 coats लगा के दिखा रही हूँ, बट आई कुड हैव only gone with a 3rd coat. The third shade in the Everyday Nudes kit is like a medium brown color with reddish undertones. तो ये एक reddish brown सा color है, और जहाँ red की बात आ जाती है ना तो वो थोड़ा सा jelly वाला formula आ ही जाता है। यहाँ पे मैं 3 coats लगा के दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगा वो jelly वाले formula के साथ ना 2 coats में पूरी opacity नहीं मिली है, and that's why I went with the 3rd coat, और यहाँ 3rd coat में मुझे full opacity मिल गई है। Formula smooth है, self leveling है, जो कि पहले दो भी थे, बट हाँ सिटी में थोड़ा सा लैकिंग है। द लास्ट शेड इन द एवरीडे न्यूड्स किट इज लाइक अ ग्रेश ब्राउन कलर विथ ग्रीनिश अंडरटोन्स। ये बहुत ही डिफरेंट शेड है, ऐसा कोई भी शेड मेरे कलेक्शन में नहीं है, सो आई एम रियली हैप्पी विद दिस वन। नाउ इसके मैं यहाँ 2 coats लगा के दिखा रही हूँ, और मुझे लगता है इस शेड के साथ मुझे 2 coats में अच्छी खासी ओपेसिटी मिल गई है। फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है, स्मूथ है एप्लीकेशन में, सेल्फ लेवलिंग है, क्रीमी है, ओपेसिटी स्टिल नहीं है, बट हाँ फिर भी मैंने मैनेज कर लिया है 2 coats में फुल कवरेज, एंड आई एम रियली हैप्पी विद दिस कलर, क्योंकि ऐसा कोई ब्राउन विद ग्रीनिश अंडरटोन्स, ऑलिव अंडरटोन्स मेरे पास अभी तक तो नहीं है। हियर इज वॉट क्लासिक मोनोक्रोम सेट लुक्स लाइक। वही ब्लैक कलर का बॉक्स है, सिल्वर से लिखा हुआ है, बीच में कटआउट है, यू कैन सी द कलर्स ग्रेश ब्लैक है, क्योंकि मोनोक्रोम सा इफेक्ट है इस पूरे सेट का। द ओनली थिंग आई कैन से इसकी पैकेजिंग बहुत ही डैमेज सी आई है, मतलब कार्डबोर्ड बॉक्स इतने सुंदर बनाए हैं, इतना अच्छा कुछ लिखा है, तो मुझे ऐसा लगा था अगर अच्छी कंडीशन में मेरे पास आता तो आई वुड हैव बीन मच हैप्पियर।
द फर्स्ट शेड इन द क्लासिक मोनोक्रोम कलेक्शन इज अ लाइट ग्रे कलर एंड डिसअपॉइंटमेंट इज द वर्ड व्हेन इट कम्स टू द फर्स्ट कोट. यू कैन बेयरली सी एनी कलर इन द फर्स्ट कोट. आई वॉज सो फ्रिकिंग डिसअपॉइंटेड. मुझे लगा था कि बहुत क्रीमी से फॉर्मूला होंगे. इस पर्टिक्युलर पॉलिश के लिए मुझे 4 कोट्स तक लगाने पड़े टू गेट फुल ओपेसिटी एंड सम कलर ऑन माई नेल्स एंड वेरी 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 डिसअपॉइंटिंग. फॉर्मूला स्मूथ है एप्लीकेशन में, सेल्फ लेवलिंग भी है, बट ओपेसिटी इट्स 0. द सेकेंड शेड इन क्लासिक मोनोक्रोम कलेक्शन इज अ डार्क ग्रे कलर जो पिछले वाले से थोड़ा सा डार्कर साइड पे है. एंड ये स्टिल बेटर है पिछले वाले से क्योंकि मुझे 2 कोट्स में ही अच्छी खासी ओपेसिटी मिल गई है. मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा डीप कलर है, डार्क कलर है, इसलिए भी फॉर्मूला वही है. स्मूथ है एप्लीकेशन में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है. मुझे सेल्फ लेवल भी हो जाता है, क्रीमी भी है. ओपेसिटी आई एम अ लिटिल लाइक फेंस ऑन दैट क्योंकि मुझे इतनी अच्छी ओपेसिटी अभी तक दिखी नहीं है किसी भी शेड में रिनेक के किट्स में. The third shade in the classic monochrome collection is a classic white color and again it's a milky white color. इसके भी मुझे 4 कोट्स तक लगाने पड़े थे क्योंकि थर्ड कोट में भी यू कैन सी हल्की सी वो येलोनेस दिख रही है मेरी फ्री एज पे, विच आई डिडंट लाइक. इसलिए आई वेंट विद द 4th कोट एंड आई एम नॉट हैप्पी विद दिस वाइट कलर. मे बी मैं कोई डॉटिक्योर करने के लिए या कुछ नेल आर्ट करने के लिए आई माइट यूज दिस कलर, बट एज अ फुल कवरेज बेस आई माइट नॉट reach for this particular white क्योंकि it's a straight up milky white you guys. Last color in the classic monochrome collection is a classic black color and oh my god what it is yaar. मतलब first coat you can see it's 90% opaque. It's such a rich black color. That is what I was expecting from the entire collection. And सिर्फ black में जाके मुझे वो मिला. मैं यहाँ 2 coats लगा रही हूँ, but if you are in a hurry and you just want to like apply one black coat, this is a 1 coat black for you. I wish ये एक बड़ी bottle में होता. I would have bought bottles of it. But yeah, it's a beautiful, beautiful formula. Again, self leveling है, स्मूथ है एप्लीकेशन में एंड ओपेक भी है. आई विश सारी की सारी पॉलिशेज ना इस पर्टिकुलर फॉर्मूला की होती. आई वुड हैव लव्ड दीज किट्स. सो येस पीपल, दीज वर द स्वाचेज ऑफ 2 क्वाड सेट्स फ्रॉम रिने कॉस्मेटिक्स, जिसमें से पहला था क्लासिक मोनोक्रोम एंड द सेकेंड वन वॉज एवरी डे न्यूज. सो सबसे पहले टेक्निकल बातें कर लेते हैं इनके बारे में. तो ईच ऑफ द क्वाड सेट रिटेल्स फॉर लाइक 499 rupees एंड यू गेट 4-5 ml का बॉटल्स इन ईच सेट. नाउ मेरे हिसाब से, इन माई ओपिनियन, इट्स अ प्रिटी कॉस्टली प्रोडक्ट क्योंकि इससे कम प्राइस पे इससे बेटर क्वालिटी की पॉलिशेस मैं यूज़ कर चुकी हूँ, तुम लोग को सजेस्ट भी कर चुकी हूँ. तो 500 की 5 ml की 4 बॉटल्स, इट्स लाइक अ बिट एक्सपेंसिव. ऑफकोर्स जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया कि जब मैंने ऑर्डर किए थे तो उनकी वेबसाइट पे डिस्काउंट चल रहा था, तो मुझे ये काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल गए थे, इसलिए मैंने 2 खरीद लिए. बट अदरवाइज इफ आई हैव टू बाय देम एट देयर फुल प्राइस ऑफ 500, आई माइट नॉट गो फॉर इट. बट इट्स टोटली अप टू यू. इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर इट, यू कैन ट्राई देम आउट. अवेलेबिलिटी की बात करूं तो अगेन ये अमेजोन, नायका और उनकी खुद की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, जिसके सारे लिंक्स तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. टॉकिंग अबाउट द क्लेम्स ऑफ दीज पॉलिशेज, तो यूजुअली मैं चिप रेजिस्टेंट, क्विक ड्राई फॉर्मूला, हाई शाइन, इनकी बात बिल्कुल नहीं करती हूँ बिकॉज यूजुअली कंपनीज को पता भी नहीं होता है कि वो क्या लिख रही हैं. तो आई वोंट गो इनटू दैट. अगर आप चाहते हो कि ये पॉलिशेज आपके नेल्स पे लॉन्ग लास्टिंग हो, तो आई वुड सजेस्ट कि यूज अ गुड क्वालिटी टॉप कोट एंड यू कैन मेक एनी पॉलिश लास्ट लॉन्गर ऑन योर नेल्स. जो क्लेम्स मुझे मैटर करते हैं वो ये है कि दीज पॉलिशेज आर वीगन एंड क्रुएल्टी फ्री. तो उस हिसाब से ब्रांड को मेरी तरफ से है डबल थम्स अप. क्विकली ब्रशेस की बात कर लेते हैं बिकॉज यू नो हाउ पर्टिकुलर आई एम अबाउट द ब्रशेस. तो इनके ना ब्लैक ब्रिसल्स वाले ही ब्रश हैं, वाइड फ्लैट ब्रश हैं, बहुत वाइड भी नहीं है, मीडियम वाइड कहूंगी, बट विथ अ स्ट्रेट कट. एंड वो स्ट्रेट कट का जो तुम लोग रिजल्ट है वो स्वाचेस में देख सकते हो कि इट गेट्स अ लिटिल मेसी फॉर मी जब वो बिल्कुल ही स्ट्रेट कट वाला होता है. और अगर तुमने लास्ट वीडियो देखा होगा नियॉन्स वाला, तो उसमें जो उनके ब्रशेस थे ना वो आगे से राउंडेड थे. सो आई डोंट रियली अंडरस्टैंड कि एक ही ब्रांड में ब्रशेज में इनकन्सिस्टेंसी क्यों है रेंजेस में. बट आई वुड हैव लाइक्ड अगर रिने ने वही कर्व वाले ब्रशेज इन सेट्स में भी दिए होते, इट वुड हैव मेड माई लाइफ रियली ईजी.
बट या लाइक एज सच कुछ बहुत बड़ा नहीं है मेरे पास कंप्लेन करने को व्हेन इट कम्स टू द ब्रशेस. क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी. तो मैंने स्वाचेस के टाइम पे वैसे तो सब दिखा भी दिया, बता भी दिया, मतलब सेट में एक आध हिट था, एक आध मिस था, मतलब स्पेक्ट्रम के इस एंड से लेके उस एंड तक पूरा कवर किया है वो चार पॉलिश के सेट ने, तुम लोगों ने देखा ही होगा. क्वालिटी के लिए मैं इतना कह सकती हूँ कि अगर ये पॉलिशेस इंडिविजुअली अवेलेबल होती तो आई वुड हैव गॉन फॉर सर्टेन पॉलिशेस इन द सेट, बट अदरवाइज एज अ होल सेट इट्स प्रिटी डिसअपॉइंटिंग. एंड इफ यू लाइक रियली रियली ऑनेस्टली आस्क मी, आई वोंट सजेस्ट यू गो फॉर दीज सेट्स. इसी शेड्स की ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की पॉलिशेस मार्केट में हैं अदर ब्रांड्स में, विच यू कैन ट्राई आउट एंड सेव योर मनी एंड लाइक गेट गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स. अब बात आती है मेरे फेवरेट्स की. तो ज़्यादा अच्छा होता, मुझे अच्छा लगता अगर ये पॉलिशेस सेपरेटली भी अवेलेबल होती तो जो भी मेरी फेवरेट है उसको मैं अलग से खरीद लेती बजाय पूरा सेट खरीदने के, वो भी 500 रुपए का. बट इट्स ओके, मैं फेवरेट्स फिर भी बता देती हूँ दोनों ही सेट में से. सो अगर हम बात करें एवरीडे न्यूड्स की तो इसमें जो लास्ट कलर है ना, थोड़ा सा ब्राउनिश ग्रीन कलर, दैट इज़ माई एब्सोल्यूट फेवरेट बिकॉज ऐसा कोई भी शेड मेरे कलेक्शन में नहीं है. एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई हैव लाइक अ वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ शेप व्हेन इट कम्स टू फॉल कलर्स, क्योंकि ये पूरा ही सेट ना थोड़ी सी फॉल वाइब देता है. और फर्स्ट थ्री कलर्स फिर भी मेरे पास किसी ना किसी ब्रांड में थोड़े बहुत शेड्स मिल जाएंगे, बट लास्ट वाला कलर इज प्रिटी न्यू टू मी एंड आई एम हैप्पी टू एड इट टू माई कलेक्शन. अब बात आती है क्लासिक मोनोक्रोम की. तो अगर तुमने स्वाचेस देखे होंगे तो तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरा फेवरेट कौन सा होने वाला है. एंड येस, यू आर एब्सोल्यूटली राइट, इट्स द लास्ट ब्लैक कलर बिकॉज आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू बी दैट गुड, स्पेशली जब मैंने वो पहले तीन कलर्स ट्राई किए थे. फर्स्ट वाला लाइक दैट वॉज सच अ डिसअपॉइंटमेंट, तो मुझे ब्लैक से भी ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी, बट इट वॉज 90% वन कोट ओपेक पॉलिश एंड आई वॉज लाइक वॉट, दैट इज सच अ गुड ब्लैक. आई जस्ट विश कि रिने ने ना ये बड़ी बॉटल में सेपरेटली वाला फॉर्मूला ब्लैक में निकाला होता. आई वुड हैव बॉट लाइक बॉटल्स ऑफ इट जस्ट टू स्टॉक अप ऑन माई ब्लैक कलर, क्योंकि ब्लैक पॉलिश इतना यूज होती है. बट या इट इज वॉट इट इज. बट हाँ, क्लासिक मोनोक्रोम सेट की बात करें तो दैट ब्लैक इज माई एब्सोल्यूट फेवरेट. एंड विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ टूडे स्वाच एंड रिव्यू वीडियो. नाउ द लास्ट थिंग इज कि विल आई रिकमेंड दीज पॉलिशेस टू यू? सो अपफ्रंट नहीं, बिकॉज इससे बेटर प्राइस पे बेटर क्वालिटी की पॉलिशेस मार्केट में हैं जो मैं ऑलरेडी रिकमेंड कर भी चुकी हूँ. बट इट्स टोटली अप टू यू, यू कैन बाय देम इफ यू वॉन्ट टू ट्राई देम, इट जस्ट दैट आई वोंट रिकमेंड देम अपफ्रंट टू यू. नाउ वैसे तो मैंने सब कुछ बता दिया है पॉलिशेस के बारे में, बट अगर स्टिल यू वॉन्ट टू नो एनीथिंग मोर, कॉमेंट डाउन बिलो एंड आई विल गेट बैक टू यू. इनफैक्ट मुझे कॉमेंट्स में ये भी बताना क्या तुमने ये सेट्स ट्राई करे हैं और तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था, मेरे जैसा था या मुझसे डिफरेंट था. मैं सब कुछ जानना पसंद करूंगी. यू नो आई लव डिस्कसिंग पॉलिशेस विथ यू. और मुझे और भी ब्रांड सजेस्ट करना दैट यू वॉन्ट टू सी ऑन माई चैनल एंड मे बी लाइक आई विल बाय देम नेक्स्ट एंड ट्राई इट फॉर यू. एंड या अगर तुम्हें ये स्वाच एंड रिव्यू वीडियो पसंद आया हो एंड यू वॉन्ट मी टू कंटिन्यू मेकिंग दोज, देन गिव दिस वीडियो अ बिग फैट थम्स अप. मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है और बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलना ताकि तुम आगे के स्वाच एंड रिव्यूज मिस ना कर दो. एंड एज आई ऑलवेज से, स्टे सेफ, बी काइंड टू द एनिमल्स अराउंड यू, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.